अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की हमारी वीडियो फिर से जो है डेवोरेस्ट की थर्टल बॉडी के बारे में है, लेकिन आज का टॉपिक जो है मुख्तलिफ है। आज मैं आपको इन पोर्ट्स के बारे में बताऊंगा, डेवोरेस्ट की थर्टल बॉडी में जो पोर्ट दो बंद होती हैं, ये क्यों बंद है, इनका क्या फंक्शन है, किस लिए यूज़ होती थी। इनके बारे में अक्सर ये कहा जाता है कि ये वाटर सर्कुलेशन की पोर्ट है, कि थर्टल बॉडी के अंदर जो है वाटर सर्कुलेशन होती थी। ऐसा नहीं है, थर्टल बॉडी के नीचे यहाँ ये जो जहाँ ऑक्सीजन इसका पाइप है, सॉरी सीएनजी का मैप का, इनके नीचे एक पाइप होता है, वो पानी का पाइप होता है, वो इनलेट में सर्कुलेशन होती है। थर्टल बॉडी में कोई पानी की सर्कुलेशन का सिस्टम इसमें तो नहीं है, जो डेवोरेसर की थर्टल बॉडी है, डेवो सिलो, जीडीआई, नेक्सा, हो सकता है उन मॉडल्स में हो। रेसर की ये जो थर्टल बॉडी मेरे पास पड़ी है, इसमें तो सर्कुलेशन का कोई सिस्टम है ही नहीं। मैंने इसको चेक किया है और एक वीडियो भी बनाएंगे, मैं आपको इधर ही फ्यूल पंप लगा के दिखा दूंगा, पानी की सप्लाई हम इसमें डालेंगे, आप देख लेंगे कि इसमें पानी की सर्कुलेशन का सिस्टम है या नहीं। तो आज मैंने आपको ये बात क्लियर दिखाने के लिए जो है डेवोरेसर की ये थर्टल बॉडी है और इसके ये दो बोर्ड इधर होते हैं, इसको ये मैंने खोले हैं ताकि ये दो हिस्सों में डिवाइड हो जाए, और ये ऊपर वाला हिस्सा जो है इस वीडियो में किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमने बात करनी है इस हिस्से पे, जिनको ये रबड़ के पाइप लगा के ब्लॉक किया गया है, इनको मैं उतार देता हूँ ना, ताकि आप आसानी से जो है इसको देख सकें। ये आप देख लें, ये क्यों ब्लॉक किए जाते हैं, ये असल में एयर के पाइप हैं। अब इनको एयर कहाँ से मिलती है ये मैं नहीं जानता, कहीं से भी एयर मिल सकती है, इनको आप इस तरह खोल दें तो ये एयर इसके अंदर जानी शुरू हो जाएगी। तो अब ये पाइप जा कहाँ पर रहे हैं दोनों, मैं आपको इधर ही दिखा देता हूँ, उसके अलावा मैं इसको रिमूव करके भी आपको दिखाऊंगा। ये देखें, थ्रॉटल मैंने इस पोजीशन पर किया है ना, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको यहाँ पे सुराख दिख रहे होंगे दो, एक ये सुराख है और एक ये साथ वाला। मैं इसको थ्रॉटल बॉडी को जो है ज़रा करीब कर देता हूँ कैमरे के, ताकि आप ये सुराख जो है बखूबी देख सकें। मेरी तो पूरी कोशिश है कि इन पर फोकस हो जाए और आपको ये सुराख भी दिख जाए, तो उम्मीद करता हूँ कि दिख रहे होंगे। ये देखना, ये है दो सुराख, एक ये वाला और एक ये वाला, जिन पे नीडल टच कर रही है ना, ये दो सुराख हैं, एक ये है एक ये है, और ये डायरेक्ट सुराख जो है ये इनके साथ कनेक्ट है, इन दोनों के साथ, इसके और इसके साथ। इसको अभी रिमूव कर लेता हूँ मैं और फिर आपको दिखा दूँगा कि इनसे जो, अगर जो लोग कहते हैं कि इसके ज़रिए वाटर सर्कुलेशन होती थी, अब आप अंदाज़ा लगाएं कि ये जो पाइप हैं इनके सुराख यहाँ पे आ रहे हैं सामने इस जगह पे, इधर थर्टल वाली साइड पे। और ये थर्टल का क्या काम होता है कि ये फ्यूल का मिक्सचर इनलेट में जाता है, इंजन की तरफ, सिलेंडर हेड की तरफ, पिस्टन की तरफ। तो अगर यहाँ से पानी जाता तो क्या गाड़ी स्टार्ट होती, इंजन स्टार्ट होता, इंजन वर्किंग करता। तो जो ये कहते हैं कि ये वाटर सर्कुलेशन के पाइप हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये एयर के लिए ही हैं। अब पता नहीं एक्स्ट्रा एयर देते थे इनको, या कोई टर्बो सिस्टम था, या कोई वैकम लगा हुआ था, जिस तरह सुजुकी मैरान का एक कार्बोरेटर में वैकम लगे होते हैं, वो जब गाड़ी बहुत ही हाई स्पीड पर चलती है तो वो वैकम जो है ऑपरेट होते हैं, और उनसे जो है एक्स्ट्रा हवा जाती है इनलेट में। हो सकता है इसका भी वैसा ही मैकेनिज्म हो, लेकिन ये सिस्टम जो है ब्लॉक किया गया है डेवोरेसर्स में। मैंने बहुत सारी गाड़ियाँ देखी हैं, सब में किसी ना किसी फार्मूले के तहत इनको बंद किया गया है, रबड़ के पाइप लगा के, या इनके अंदर स्क्रू लगा के, टेप लगा के, तार जो इलेक्ट्रिक वायर वायरिंग की तरह तारें होती हैं वो इनके अंदर इस तरह डाल के इनको जो है ब्लॉक किया गया है। तो ये आपने देख लिया, ये दोनों पाइपों के जो सुराख हैं ये इधर आ रहे हैं थ्रॉटल में, और थ्रॉटल इस पोजीशन में लगी होती है गाड़ी में, सामने की तरफ होता है ये। जब आप देखते हैं तो सामने की तरफ से आप देखें कि यहाँ से एयर इंटर होती है तो ये अंदर ही जाती है। अब ये देखें, सुराख इधर से जो है आपको शायद नज़र आ जाएँ, ये ऊपर की जाने में, मैं इसको क्लोज़ में कर देता हूँ। ये देखें, अब आप देख सकते हैं कि एक ये सुराख है और एक ये वाला, जहाँ पे नीडल टच कर रही है ना, ये दो सुराख हैं और ये इसी से कनेक्ट हैं। अब मैं इसको खोल लेता हूँ आपके सामने ही, ये इसको इसमें लग जाएगा बिट, ये इसको खोल लेते हैं आपके सामने, ताकि आप दोस्त ये देख सकें कि जो लोग ये कहते हैं कि ये वाटर सर्कुलेशन का सिस्टम है, थ्रॉटल बॉडी के अंदर जो पानी सर्कुलेट करता है, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं करता, थ्रॉटल में करता होगा, लेकिन इसके अंदर तो ऐसा कोई फंक्शन नहीं है कि इसके अंदर जो पानी की सर्कुलेशन हो। सीएनजी किट में भी सर्कुलेशन होती है, जो बहुत ही अच्छी किट है सीएनजी की, उनके अंदर गर्म पानी को सर्कुलेट किया जाता है, ताकि सर्दियों में जो है गैस अच्छी तरह गर्म होकर जो है इनलेट की तरफ जाए। ये मैंने इसको खोल लिया, ये देख लें आप। अब मैं आपको इधर ही समझा देता हूँ, इसका ये जो होल है ना, ये इसके अंदर थ्रेड बनी हुई है, स्क्रू लगते हैं, ये देख लें, ये इधर इसके स्क्रू लगते हैं, ये मैं बिट निकाल के आपको टाइट करके भी दिखा देता हूँ। ये देखें, स्क्रू लग गया इसके अंदर, और सेम जो होल है इसमें भी स्क्रू लगता है यहाँ पे, यानी कि स्क्रू लगते हैं दो। और अब ये जो बाकी होल आपको नज़र आ रहे हैं ना, ये भी मैं आपको चेक करवा देता हूँ, ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये बंद है, ये असल में इसके जो है लॉक हैं, जहाँ पे ये आके सेट होता है। ये देख लें, ये जो है ना, ये हिस्सा, ये इसका इधर लगता है इस जगह पे, ये इसकी सेटिंग के लिए लॉक है। और अब ये आप पाइप देख लें, ये दोनों पाइप जो है ना ये इधर आ रहे हैं, ये सुराख हैं, ये देख लें, नीडल इनके अंदर जा रही है, तकरीबन 1.5 इंच के करीब नीडल अंदर चली जाती है इसमें। तो पाइप जो है इस जगह पर आ रहे हैं, बाकी ये सारी जगह ये ब्लॉक हैं, सिवाय इन दो के, यहाँ पर स्क्रू लगते हैं। ठीक हो गया, ये बात क्लियर हो गई, और ये इस पोजीशन में यहाँ पे लगती है, ये देख लें आप ऐसे। और अब आप देख लें, इस तरह मैं इसको रख देता हूँ, एक ये सुराख है, एक ये सुराख है, और एक ये है कि इनसे हवा जाती है इसके अंदर। और अभी अभी आपको क्लियर नज़र आ जाएगा, ये देख लें, मैं इस पर फोकस करता हूँ,
इसी के अंदर अब आप देखें थ्रॉटल मूव करेगी, बटरफ्लाई जिसको कहते हैं, ये देखें इधर से आप देख लें, ये देखें थ्रॉटल चूँकि इससे नीचे है तो इसलिए रोशनी जो है इसमें नज़र नहीं आती। अगर इस तरफ से हम कोई लाइट इसके अंदर डालें तो रोशनी जो है यहाँ से निकलेगी। लेकिन मैं आपको एक और तरीके से भी समझा देता हूँ। ये मैं इधर से नीडल इंसर्ट करता हूँ और आप ये देखें नीडल जो है इधर आ रही है, और अब ये नीडल मैंने पीछे किया तो थ्रॉटल ऊपर आ गई है। अभी मैं दोबारा नीडल डालता हूँ तो ये देखें नीडल जो है थ्रॉटल के ऊपर है। तो अब आप खुद अंदाज़ा लगाएं कि अगर इस हिस्से में पानी जाता यहाँ पे क्या इंजन स्टार्ट होता। ये दूसरा सुराख भी है और इसमें भी नीडल में डाल के दिखा देता हूँ आपको। ये देखें ये देखें ये एक नीडल इधर आ गई और एक नीडल मैं आपको और इसमें डाल के दिखा देता हूँ। ये आप देख रहे हैं, ये देखें ये दो नीडल इसके अंदर आ गई इधर। ये नीडल है जिसको मैं हिला रहा हूँ, एक ये है। तो जो लोग ये कहते हैं चाहे जो जो भी हैं कि इसके अंदर वाटर सर्कुलेशन का सिस्टम है, ये जो पाइप है ये वाटर सर्कुलेशन के हैं, तो ये बात गलत है, मैं नहीं मानता इसको। अगर पानी यहाँ से इसके अंदर जाता है सर्कुलेशन के लिए तो आप अंदाज़ा लगाएं पानी तो सीधा थ्रॉटल पे चला गया यहाँ पे। और आपने देखा कि इधर इंजेक्टर लगा होता है ऊपर, ऐसे अगर हम इसको रख दें ये यहाँ पे इंजेक्टर आ जाता है, तो इंजेक्टर इधर स्प्रे कर रहा है पेट्रोल की और साइड से जो है यहाँ से एयर का मिक्सचर एंटर हो रहा है इसमें, एयर का यानी कि हवा यहाँ से जा रही होती है, ये इसका इनलेट है एयर का। इस जगह पर अगर आप इसको रखें ना तो हवा यहाँ से इंटर होती है इसके अंदर, ये दूसरी जगह जो है ये बंद होती है टीपीएस सेंसर की तरफ होती है, ये वाली इसकी ओपन होती है, हवा यहाँ से जा रही होती है अंदर। जब आप फिल्टर उतार लेते हैं गाड़ी से और थ्रॉटल इस हालत में होती है, आपको एक सीटी की आवाज़ सुनाई देती है, तो वो एयर के जाने की आवाज़ होती है जो आपको ऐसे लगता है कि सीटी बज रही है। तो अपने मौजू पे आ जाते हैं हम दोबारा कि यहाँ से एयर इंटर हो गई और यहाँ से भी एयर इंटर होती है, इनको बंद किया गया सुराखों को, और ये थ्रॉटल है आपके सामने जिसको बटरफ्लाई भी कहते हैं। ये देख लें इंजेक्टर स्प्रे करता है, यहाँ से भी एयर जाती है और यहाँ से भी एयर जानी चाहिए जो इसके लिए फ़ायदेमंद होती है, लेकिन मैकेनिक साहिबान जो हैं इसको बंद कर देते हैं। क्यों बंद करते हैं मैं नहीं जानता, लेकिन दोस्तों आज की वीडियो में आपने देख लिया कि अगर इस नीयत से बंद किए गए हैं ना ये पाइप, ये मेरी गाड़ी के भी बंद ही थे, कि यहाँ से वाटर की सर्कुलेशन होती है, तो ये मैंने आपको आज क्लियर बता दिया, बिल्कुल क्लियर बात कर दिया कि इसमें कोई वाटर सर्कुलेशन का सिस्टम नहीं है। दोबारा दिखा देता हूँ ये जो इसके सुराख हैं, ये देखें नीडल इधर आ गई है, ये आप देख लें, और इस सुराख से भी नीडल जो है इधर आ जाती है, ये देख लें नीडल। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, इसको दोस्तों के साथ शेयर भी ज़रूर कर दें, साथ में बेल के आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली तमाम नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलते रहें। इंशाल्लाह बहुत जल्द नई वीडियोस में मिलेंगे, तब तक के लिए आप मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।